है, पुरुष है, उसको खींचने वाली जो है प्रकृति है, द सोल प्रकृति इज द माता है। पुरुष, सोल सोल इज द पुरुष मेल एंड द वन हु अट्रैक्ट्स दैट इज प्रकृति, द नेचर अट्रैक्ट्स दैट सोल द मेल सोल। नेचर का दूसरा रूप जगदम्बा है। द सेकेंड फॉर्म ऑफ नेचर इज जगदम्बा। सो इन दैट वे शी बिकम्स द फर्स्ट इंप्योर सोल इज इट। इन दैट वे गीता माता बिकम द फर्स्ट इंप्योर। इस तरह से मतलब गीता माता ही पहली पतितात्मा हुई क्या पूछ रहे हैं? सतयुग से लेकर के त्रेता के अंत तक झूठी गीता का अस्तित्व नहीं होता। There is not the existence of jhuti gita, the false gita, from satyuga, from the beginning of the golden age to the end of the silver age. मर्ज होकर रहती है। It is in the merge form. जैसे धर्म पिताओं के आधार मूर्त और बीज रूप मर्ज होकर रहते हैं। As the धर्म पिता means the religious religious father soul, they are there but they are in the merged form in the golden age and in the silver age. The religious father souls, the seed souls, they are in the merged form. In the same way the false Gita is also in the merged form in the beginning of the golden age to the end of the silver age. जैसे द्वैतवादी युग शुरू होता है। As the the age of the two types of कॉपर एज फ्रॉम द कॉपर एज स्टार्ट। हाँ जी, द्वैतवादी युग शुरू होते ही दो हो जाती है पत्नियां। एज द जगदम्बा भी पत्नी है तो लक्ष्मी भी पत्नी है। जगदम्बा ऑल्सो इज द वाइफ एंड द लक्ष्मी बिकम्स ऑल्सो द वाइफ। एज द कॉपर एज स्टार्ट अप टू द सिल्वर एज इट इज वन एंड इट डिवाइड्स इनटू टू, दैट मीन्स इट बिकम्स द्वैत। ओके, दिति और अदिति, दे आर कॉल्ड एंड देर टू वाइफ, दिति एंड अदिति। When Krishna becomes Vishnu, Brahma alias Krishna becomes Vishnu. Brahma alias Krishna becomes Vishnu, he becomes Vishnu. Then the role of Bhagdada begins, is it? Role of Bapdada will begin, is it? Will it begin after Brahma becomes Vishnu? मैंने बाप दादा का जो रोल है वो तब शुरू होता है क्या, जब ब्रह्मा मैंने उर्फ कृष्ण जब वो विष्णु बन जाते हैं? जब ब्रह्मा विष्णु बन जाते हैं तब बाप दादा का रोल शुरू होता है। बाप दादा का रोल शुरू होता है क्या? अभी बाप दादा का रोल नहीं है। नाउ देर इज नो रोल ऑफ बाप दादा। नाउ दिस इज बाप दादा। बाप दादा रोल इज नॉट नाउ। Now is Ardhanarishwar rule is going on. अभी तो अर्धनारीश्वर का रोल चल रहा है। ब्रह्मा बाबा जब जीवित थे तब बाप दादा का रोल नहीं था। When ब्रह्मा बाबा वॉज अलाइव देन बाप दादा रोल वॉज नॉट देयर। Okay, when ब्रह्मा बाबा वॉज अलाइव, when you asking me when ब्रह्मा बाबा वॉज अलाइव देन बाप दादा रोल वॉज नॉट ऑन। मैंने वो पूछ रहे हैं, मैंने वो ब्रह्मा बाबा जब जीवित थे तब बाप दादा का रोल नहीं था या था? था, देर वॉज। शुरुआत से ही बाप दादा दोनों साथ साथ हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली द बोथ वेयर बोथ वेयर कंबाइंड। बाप के साथ ही बच्चे का जन्म होता है। शिव जयंती अकेली नहीं, बच्चे के साथ बाप का भी जन्म गाया हुआ है, इसलिए कृष्ण जयंती और शिव जयंती दोनों रात्रि के 12 बजे मनाई जाती है। द बर्थ ऑफ बोथ ऑफ देम टेक्स एट वंस। बाप दादा बिगनिंग, बाप दादाज रोल इज गोइंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द यज्ञ। सो कृष्ण जयंती, शिव जयंती और कृष्ण जयंती। कृष्ण जयंती भी रात के 12 बजे मनाई जाती है, शिव जयंती भी रात्रि के 12 बजे मनाई जाती है। इन द मिड नाइट द डिवोटीज सेलिब्रेट द कृष्ण जयंती, दैट इज ऑल्सो इन द मिड नाइट 12 o'clock एंड शिव जयंती ऑल्सो दे सेलिब्रेट इन द मिड नाइट। मीन्स शिव जयंती कृष्ण जयंती बोथ ऑफ दैट इज सेलिब्रेटेड इन द मिड नाइट।
बाप और बच्चे का जन्म साथ साथ है. फादर एंड द चाइल्ड दे बोथ टेक बर्थ एट वंस टुगेदर एट द सेम टाइम और टुगेदर ड्यूरिंग सकार मुखली यू कैन इन ड्यूरिंग सकार मुखली बाबा वाज टेलिंग द बाप ब्रदर रोल वाज ड्यूरिंग सकार मुखली सो During Brahma Baba was alive, he said. Yes, yes. Baba said that during when Brahma Baba was alive, then also Bab Dada's role was going on. Both of they are not separated. Their role is going together. In the beginning also, the Bab Dada are combined. Both of their birth took place at the same time. And then Ram was not there. Why? Because Bab Dada means Shiva plus Ram. Bab Dada is Krishna's soul. बाप दादा राम की सोल तो वहाँ पर नहीं थी ना ब्रह्मा जब जिंदा थे तब शिव बाबा अकेले नहीं आते शिव बाप अकेले आते ही नहीं तीन मूर्तियों के साथ आते हैं द फादर वो तब की बात बोल रहे थे ब्रह्मा जीवित थे बीच में जब राम की सोल जीवित थे तो शिव बाप जब आते हैं तो राम बाप साथ आता है शिव बाप जब आते हैं तब राम बाप भी होता है ब्रह्मा भी होता है विष्णु भी होता है तीनों तो हो गए माँ के बगैर तो बच्चे का जन्म नहीं है और बच्चे के साथ साथ बाप है सो विदाउट मदर द चाइल्ड इज नॉट देयर एंड विद द चाइल्ड द फादर इज ऑल्सो देयर इन द बिगनिंग वेन द शिवा केम देन त्रिमूर्ति मीन्स थ्री सोल्स आर देयर ब्रह्मा सोल इज ऑल्सो देयर राम सोल इज ऑल्सो देयर एंड विष्णु सोल इज ऑल्सो देयर मगर माता जी पूछ रहे हैं कि जब राम जब शरीर छोड़ दिए तो उसके बाद जब ब्रह्मा का पाठ चल रहा था तब वो बाप दादा राम की सोल तो वहाँ नहीं थी ना तब कैसे हुए राम की सोल नहीं थी लेकिन बाप की सोल तो थी बट द शिव बाप तो था शिव बाप द फादर शिवा वॉज देयर राम सोल वॉज नॉट देयर बट शिवा सोल वॉज देयर बट इन द बिगिनिंग देयर वर थ्री सोल्स Got the point? Yeah, I'm not. But then you were telling about Sakar Mukhlis, you know, Bab Dada's role was there. When the Brahma was Shiva. Alive, then Bab Dada's role was there. But Bab means there, so Shiv Bab. Shiv Bab, Baba is there. Mm-hmm. Through that, Bab Dada became Bab Dada. Mm-hmm. Then in the beginning, also the Shiva soul is there incarnated, then mm-hmm. Brahma's soul is also there, Vishnu's soul is also there, and Ram's soul is also there. The middle Ram soul was not there, but Shiva's soul was there. That's why Bap was there. Bap Dada is there. Got the point? So during Sakar Mukhlis also Bap Dada's role was going on. Sakar Mukhli jab chal raha tha, tab bhi Bap Dada ka role chal raha tha. Iska matlab kuch nahi. Chal raha tha na us samay. Chal raha tha, lekin Brahma ko Bap ka pata nahi tha. इसलिए मुरली में ही बाबा शिव बाप ने याद दिलाया कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय क्यों लिखते हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय लिखो बाप दादाज रोल वॉज गोइंग ऑन एट दैट टाइम ऑल्सो इन द साकार मुरली वॉज गोइंग ऑन बट ब्रह्मा डिडंट रिमेम्बर दैट दैट्स वाई शिवा सोल इट टोल्ड इन द मुरली दैट वाई यू आर नॉट राइटिंग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा We are writing only Brahma, Brahma Kumari, Vishwavidyalaya. You got the point? Yeah. When the Sakar Murli was going on, at that time also Ram's soul was also came to the Yajna. Yeah. So Shiva's soul reminded the Brahma Baba through the Murlis. That right, Prajapita Brahma Kumari should be there. Because Prajapita is coming. Huh. When Prajapita came into the again, that time. What does it mean? Ganga flows from Vishnu's foot and goes to Shankar's head. Shankar's head. Ganga flows from Vishnu's foot and goes to Shankar's head. Vishnu ke charan se Ganga nikal karke. शंकर के सिर तक जाती है विष्णु के चरणों से निकलती है गंगा और शंकर के सिर तक जाती है इसका क्या मतलब है गंगा वास्तव में
विष्णु की चरणों से नहीं निकलती है, गंगा निकलती है ब्रह्मा के कमंडल से। फ्रॉम द कमंडल यू नो पार्ट ऑफ ब्रह्मा ये गंगा कम्स फ्रॉम दैट नॉट फ्रॉम द विष्णुस फुट। अब विष्णु के चरणों में गिरती है, फिर चरणों से निकल करके फिर शंकर के मस्तक में आती है। इट फॉल्स ऑन द विष्णुस फुट, इट कम्स आउट फ्रॉम द ब्रह्मास पॉट मीन्स दैट इज कमंडल एंड फॉल्स ऑन द विष्णुस फुट एंड थ्रू दैट फुट इट गोज टू द शंकर्स हेड। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गंगा जो है वो भक्ति मार्ग से कनेक्टेड है या ज्ञान मार्ग से कनेक्टेड है। इट मीन्स गंगा इज कंसर्न्ड विद द भक्ति मार्ग पाथ ऑफ डिवोशन और टू द पाथ ऑफ नॉलेज टू विच इट इज कनेक्टेड। बाप से कनेक्टेड है तो ज्ञान मार्ग से कनेक्टेड है, जब बाप से जुदा हो जाती है जटाओं से बाहर आती है तो भक्ति मार्ग की गंगा हो जाती है। When it is connected with father, then it is connected with the knowledge. Then when it detached from the father, it comes out from the Shankar's head. Means it comes down from this. Means it and go to the path of devotion. Brahma ka mastak hi kamandal hai. Brahma ka. Ye kamandal hai, kamandal. Brahma's head is the pod, that kamandal. उस कमंडल से निकलती है और विष्णु के चरणों में गिरती है। थ्रू दैट पार्ट इट कम्स आउट एंड फॉल्स ऑन द फुट ऑफ विष्णु। व्हेन इट इज इन द पाथ ऑफ नॉलेज देन इट वॉज इन द जटा मीन्स इन द हेयर ऑफ शंकर एंड व्हेन शी लीव्स द नॉलेज गंगा देन शी फॉल्स फ्रॉम द हेड एंड फ्रॉम द बाबा ऐसे ही ब्रह्मा का मस्तक ही कमंडल है। बाबा शंकर की जटाओं को बता रहे थे, शंकर की जटाओं से भी बाहर जटाएं कोई दूसरी थोड़ी है। प्रजापिता ब्रह्मा जो है उसके मस्तक में जो ज्ञान घुमड़ता है मंथन चलता है वही जटाएं हैं। प्रजापिता ब्रह्मा मीन्स हियर द प्रजापिता ब्रह्मा द नॉलेज दैट स्वर्ल्स इन द हेड ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा इटसेल्फ आर द हेयर लॉक्स फ्रॉम दैट हेयर एंड कम्स डाउन मीन्स ब्रह्मास प्रजापिता ब्रह्मास हेड इज ओनली दैट पॉट दैट कमंडल वेयर द गंगा लिव्स एंड थ्रू व्हेन इट इज इन द नॉलेज शी इज इन द नॉलेज देन शी इज इन द हेड व्हेन शी कम्स आउट फ्रॉम द नॉलेज देन शी कम्स आउट फ्रॉम द हेड एंड फॉल्स ऑन द फुट ऑफ feet of the Vishnu. And Mahakali's role is to cause doubts. Mahakali's role is to cause doubts. So does Mahakali's role start in 1976? Cause doubt? Mahakali's role is to cause doubts. Cause doubts, yes, yes. So did it start from 1976? महाकाली का जो रोल है वो है मैंने डाउट क्रिएट करना मैंने कॉज डाउट मैंने डाउट्स मतलब शंकाएं उत्पन्न करना डाउट्स उत्पन्न करना हाँ। तो ये 1976 मैंने 1976 से शुरू होता है क्या? हाँ। यस स्थापना के साथ साथ ये विकरण से विनाश द्वारा प्रज्वलित हुई विनाश इम्प्योरिटी से होता है या इम्प्योरिटी से So, with the establishment, the fire of destruction also ignited out. So, it means the destruction takes place from impurity or purity. Through impurity or purity? Impurity is destruction. Through the impurity is construction. So, in 1976, mein purity is sthapna bhi hui. In 1976? Advanced party ki. Aur impurity is destruction bhi shuru hua. In advance party, the construction and the destruction also started from impurity. And through the purity, the construction also. Yagi ke aadi mein bhi construction ke saath hi destruction shuru ho gaya. In the beginning of the yagya also, with the construction,
the destruction also takes place simultaneously. Through the purity, the construction took place, and through the impurity, the destruction took place. दोनों माताएं थीं यज्ञ में. The both mothers were present in the yajna. झूठी गीता भी थी, सच्ची गीता भी थी. False Gita was there and the truthful Gita was there. The establishment and destruction taken place through the both Gita. Through the both Gita, destruction and establishment has taken place. दोनों गीताओं के द्वारा ही मैंने स्थापना और विनाश का कार्य है. हाँ जी. Yes. 76 में तो थे नहीं ना, दोनों माताएं थी नहीं ना. 76 में तो थी नहीं दोनों माताएं. लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज एक ही माता ने दो माता. लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 76 में हुआ. तो फिर थी ना? इन 76 बाबा इस माता जी आदर्श पास्ट लगे इन 76 द टू मदर्स आर नॉट देयर नो सो बाबा से द बर्थ ऑफ लक्ष्मी नारायण टुक प्लेस इन 76. गौरी भी थी तो काली भी थी. द गौरी गौरी मीन्स द फेयर वन एज वेल एज काली काली मीन्स द डार्क वन वाज देयर. Both were there at that time also in 76 also. Both through the both matas, in the beginning of the yagya also the construction and destruction took place. In the 76 also both mothers were there. Jagdamba Ma also was there. Jagdamba Ma was not there. Kahan? Oh, Mata 76 में Jagdamba Ma भी. Both mothers were there. कहाँ? 76 में, 76 में. वर्षा माता तो लेके आई थी अपने घर पहले पहले. तो पहले तो काली नहीं होती है ना. है शुरुआत में थोड़ी काली होती है. नहीं मैंने वो माता जी पूछ रही कि दो काली मैंने काली और गोरी दो माताएं कौन हुई मैंने 76 में. प्रेमकांता भी थी तो मम्मा भी थी. प्रेमकांता पहले सरेंडर हो गई लेकिन सरेंडर थोड़े टाइम के लिए हुई अल्पकाल के लिए निभाया. मम्मा ने लंबे समय तक निभाया. प्रेमकांता का मिलना थोड़े समय हुआ अंश मात्र और जगदम्बा का मिलन लंबे समय तक हुआ. इसलिए जगदम्बा का मेला मनाया जाता है. महाकाली का मेला नहीं मनाया जाता उतना. इसलिए दो माताएं हैं. बोथ मदर्स वेयर देयर. The mamma was also there and the Premkanta was also there. So Premkanta surrendered herself for the short time and the Jagdamba for the long time she has surrendered. That's why in the path of devotion also the Mela means the festival whatever they celebrate in the path of devotion, they celebrate that for Jagdamba but not for the Premkanta. Got the point? What's the difference between Krishna and Sri Krishna? Krishna और Sri Krishna के बीच में क्या अंतर है? Krishna देवता है तो उसके नाम से पहले Sri लगाना चाहिए ना? Krishna is deity, so before the name of him, Sri is there. That's why he should be, the Sri should be there. Because he is deity. Sri. So same with Ram and Sri Ram. Actually Ram ke liye bhi na Sri Ram. Ram bhi devta hai. Same hi devta hai. Isliye uske naam se pehle bhi Sri lagana chahiye. The Sri should be mentioned before the name of Rama also because he is also the semi deity. So all the one like Krishna, Sri Krishna, Ram, Sri Ram, Narayan, Sri Narayan, all the same meaning, is it? That means semi-deity, the Sri should come before them. ऐसे ही राम श्री राम और कृष्णा श्री कृष्णा नारायण श्री नारायण ये सारा ऐसे ही है ना. ब्रह्मा श्री ब्रह्मा नहीं कहेंगे. शिव श्री श्री शिव नहीं कहेंगे. इट इज नॉट कॉल्ड लाइक श्री शिव श्री ब्रह्मा शंकर श्री शंकर नहीं कहेंगे. यस यस बट शंकर शंकर श्री श्री शंकर विल बी नॉट बी कॉल्ड. I want to know in bhakti. I came at I was just going into bhakti. I saw the one article about
सेज रिबु रिबु ऋषि के बारे में भक्ति मार्ग में हमने सो दैट इज प्रजापिता इज सेज रिबु रिफर टू प्रजापिता रिबु रिबु ऋषि भृगु ने रिबु पैदा किए The Bhrigu Rishi was there. Bhrigu Saint was there. Who brought out those Ribu Rishi? Ribus. Through the Yagya Kunda. Yagya Kunda means where we do the Yagya. Understand? This is Shiv Shankar. Then it is also said Shiv Shakti. Okay, I want to know why. Because when we say Shiv Shankar, the name Shankar emulates Shiv's page. Then why is it say Shiv Shakti also? That means I want to know why. Because I have a friend who says that why is it Shiv Shankar, then Shiv Shakti also? शिव शंकर तो इसलिए कहा गया ना कि शिव तो शंकर में प्रवेश करते हैं लेकिन प्रवेश करते हैं इसलिए नहीं कहा गया शिव आकर के शंकर को आप समान बनाते हैं इसलिए शिव शंकर कहा गया तो शिव शक्ति क्यों कहा गया है शिव शक्ति इसलिए कहा गया कि आत्मा स्वयं शक्ति स्वरूप होती है अगर संपूर्ण 100% आत्मिक स्टेज में टिक जाए तो शिव प्रवेश करता है उस समय आत्मा संपूर्ण नहीं है लेकिन पुरुषार्थ करने के बाद जब संपूर्ण बनती है तो पहले नंबर की शक्ति वो आत्मा है इसलिए शिव शंकर की जोड़ी है शिव पार्वती की जोड़ी नहीं है शिव शंकर को युगल कहेंगे मुरली बोला दिस इज वाई देयर इज अ कपल ऑफ शिव शंकर एंड नॉट ऑफ शिव पार्वती इट इज सेड इन द मुरली शिव शंकर विल बी कॉल्ड ए कपल यानी आत्मा जब पुरुषार्थ करती है तब वो शक्ति स्वरूप बनती है शक्ति स्वरूप लेकिन शिव जो है उनको शिव शंकर को आप समान बनाते हैं इसलिए शिव शंकर कहा गया है सो द सोल व्हेन इट मेक्स द एफर्ट देन इट बिकम्स द फॉर्म्स ऑफ शक्ति फॉर्म ऑफ शक्ति व्हेन द सोल हैज टू मेक द एफर्ट Shiva comes and makes Shankar equal to himself. This is why it is said Shiv Shankar. It is said Shiv Shakti because the soul itself is the form of Shakti. To make the 100% pure means Shakti. 100% pure means the Shakti. Means That's why it is called the Shiv Shankar. It is called Shiv Shankar, but it is not called Shiv Parvati. Shiv Parvati. Shankar Parvati. Shankar Parvati. It is called Shankar Parvati, but not called Shiv Parvati, because Parvati is the soul. You got the point? Parvati is the soul. The soul has to make the effort, and at first number, the soul becomes Soul becomes the form of Shakti, that is the Parvati. That is why Shiv Parvati is not said. Shankar ki soul swayam hi soul hai, jo Shiv ki pehli Shakti banti hai. Shankar's soul is the first soul who becomes the Shakti form. Shankar's soul. It is the first soul who become the form of Shakti. So when you say Shiv Shakti, you also refer to Shankar. Yes. So when you say Shiv Shakti, is Bharat Mata Shiv Shakti Avatar? What? When you say Bharat Mata Shiv Shakti Avatar means what? भारत माता शिव शक्ति अवतार का मतलब क्या हाँ भारत माता शिव शक्ति अवतार ये अंत का नारा है इट इज अंत होगा तभी तो आत्मा 100% प्योर बनेगी इट इज द फ्रेज ऑफ द लास्ट टाइम सो व्हेन 100% द सोल विल बिकम प्योर देन इट विल बिकम द शक्ति सो भारत माता इज रिफर टू द विद्यमाला सोल भारत माता शिव शक्ति अवतार इज रिफरिंग टू द विद्यमाला सोल विजयमाला की आत्माओं के लिए ही कहा माता गया कहा गया ना तो स्त्री ओलिंग हो गया ना माने स्त्री चोला चाहिए ना शंकर को थोड़े कहेंगे शंकर इज नॉट कॉल्ड माता मीन्स शुड बी द फीमेल बॉडी सो लाइक फीमेल मीन शिव शक्ति मीन
शिव शक्ति नहीं थी, पार्वती फर्स्ट शिव शक्ति, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल फर्स्ट शिव शक्ति पार्वती। Brahma, and then you say Brahma enters Jagadamba, enters Shankar and enters Vishnu. So, Trimurti Brahma. Brahma enters Vishnu. Brahma enters into Jagadamba. Brahma Jagadamba में enter करते हैं. हाँ, प्रवेश करते हैं जी. Trimurti Brahma. Trimurti Brahma means it. Brahma enters Jagadamba, Brahma enters Shankar and Brahma enters Vishnu. त्रिमूर्ति ब्रह्मा ऐसे कहा गया है ना, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का मतलब भक्ति मार्ग कहते हैं। इन द पाथ ऑफ डिवोशन इट इज सेड, इट इज नॉट इन द पाथ ऑफ ब्रह्मा सोल एंटर वैष्णवी देवी, यू नो द वैष्णवी देवी के अंदर ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है क्या? छोटी माँ? नो, द स्मॉल मदर, छोटी माँ। ओम राधे, ओम राधे ब्रह्मा विल एंटर इन टू द वैष्णवी शक्ति। Does Shiva enter Junior Mother? No? Shiva enters into Junior Mother. Does Shiva enters Junior Mother? Choti Mummy. Junior Mother. Shiva kya Choti Mummy में प्रवेश करते हैं क्या? कुछ नहीं. Practical part जो है वो विष्णु जो बजाता है, practical part शिव की soul बजाती है वैष्णवी देवी में, सह शक्ति का पार्ट ब्रह्मा में शिव की सुर बजाती है या ब्रह्मा बजाता है, तीसरे नेत्र क्लेरिफिकेशन का पार्ट शंकर बजाता है या शिव बजाता है, क्या जवाब है? What is the answer of this? That Vaishnavi Shakti plays the practical part. The practical part plays Shiva or Vaishnavi Shakti. Or Brahma, in Brahma, the power of tolerance is there. So that tolerance power is Shiva plays or the Brahma. Or in the Shankar, so in the Shankar also the third eye is through the Shiva or through the Shankar. What is the answer of that? Who do the play? In Brahma, Shiva plays the tolerance part. In Shankar, Shiva played the third eye of knowledge. So another question is? In the Vaishnavi Shakti, the practical part. The practical part is played by Shiva or through the Vaishnavi Shakti? But so far in advanced knowledge, it is never said Shiva played through, it is never said that Shiva enters Vaishnavi Devi, it is never said. लेकिन ऐसा तो नहीं बोला गया है ना कि मनुष्य जो है वैष्णवी शक्ति में प्रवेश करते हैं। करण करावनहार कौन है? द वन हु डू एंड मेक्स अदर्स टू डू, हु प्लेस दैट रोल? शंकर। शंकर करण करावनहार है। हु इज दैट, हु प्लेस दैट रोल? हु डू हिमसेल्फ एंड मेक्स अदर्स टू डू? शंकर कंपेयर्स अदर्स टू डू, he himself do and he compels others also to do. शंकर के लिए बोला गया ना कि वो अपने खुद करते हैं और दूसरों को फोर्स करते हैं करने के। शिव बाबा करण करावना है। शिव बाबा करण करावना है, शंकर की सोल नहीं। Not the soul of Shankar. Because it is said Shankar becomes the Baba. शंकर ही बाबा बनते हैं ना, तो शंकर ताऊ है, बाबा है नहीं। शंकर इज कॉल्ड द एल्डर ब्रदर और फादर, बड़ा चाचा। शंकर इज नॉट कॉल्ड बड़ा विष्णु, विष्णु से भी बड़ा शंकर। शंकर इज नॉट कॉल्ड थ्री ब्रदर्स, ब्रह्मा से बड़ा विष्णु, विष्णु से बड़ा शंकर, तो इल्डर ब्रदर, इल्डर ब्रदर। शंकर इज द एल्डर ब्रदर आफ्टर ब्रह्मा,
Vishnu. After that Vishnu, above Vishnu, there is Shankar. So Shankar is the elder brother. Shankar is not Baba. So Shiva Baba. Baba. Grandfather. Shiva Baba is not Shiva. So he is not the Shankar who do himself and makes others to do. He is Shiva Baba. One Avyatmani sentence says that this ordinary form will disappear. This ordinary form will disappear. His ordinary form. Ordinary form will disappear. इनका साधारण तन जो है वो अदृश्य हो जाएगा. ये साधारण रूप जो अभी देखते हैं वो अदृश्य हो जाएगा. The body that we form before. प्रत्यक्षता के टाइम पर असाधारण रूप प्रत्यक्ष हो जाएगा. At the time of प्रत्यक्षता. Now you are seeing the form ordinary body that will vanish. At the time of revelation, the extraordinary form will be revealed. Revelation, so during revelation he has extraordinary form, not ordinary form. So that his features will change. उनके जो स्वरूप जो है वो change हो जाएगा. हाँ हाँ, वो जो अभी साधारण दिखाई पड़ता है वो फिर असाधारण दिखाई पड़ेगा. Now you are seeing the ordinary. It is seen ordinary. At that time, it will be not ordinary. You are special. Special. So Vyakti stage is ordinary. Vyakti stage means the corporeal form. Corporeal form is the ordinary. At that stage, in corporeal state, that will be extraordinary. It said in one Avyatmani that Bab Dada couldn't bear to hear the distress of others calling for what? It is said in one Avyatmani that Bab Dada couldn't bear to hear the distress. Distress means sorrow of others calling for peace. Bab Dada cannot hear. Cannot bear to hear the sorrow of others calling for peace. Means Bab Dada don't want to hear. To hear the sorrow of others calling for peace. Yes. जो शांति के लिए पुकारते हैं उनके जो उसको सहन नहीं कर पाते हैं बाबा की. शिव बाबा उसको सहन नहीं कर पाते. दूसरों के जो दुख दर्द है, दुख से जो पुकारते हैं उसको सहन नहीं कर पाते हैं. बाप दादा. But that means Baba always says that we shouldn't take sorrow, hear sorrow, take sorrow. So, but Bab Dada, that means he is feeling the sorrow, is it? Is he feeling the sorrow by telling like this? मैंने बाप दादा को ऐसे बोलते हुए मैंने दुख अनुभव होता है कि मैंने जो बच्चों को बोलते हैं कि तुम दुख मत लो. बाप दादा को क्या दुख की अनुभूति होती है कि ऐसे बोलते मुझे दुख लगता है क्या? शिव बाबा को दुख अनुभव नहीं होता है. बाप दादा तो रामकृष्ण की आत्मा है. बाप दादा है ना, बाप माने आत्मा, दादा माने आत्मा, शिव बाबा माने परम पिता परमात्मा, अलग है ना. बाप दादा फील सॉरो बट शिव बाबा डोंट फील द सॉरो. बाप दादा मीन्स द सोल्स ऑफ राम एंड कृष्णा. बाप दादा बोथ आर द सोल्स.
मुझे फीलिंग द सोरो ऑफ अदर्स, वो उनको दूसरों के दुख की अनुभूति होती है। हाँ जी, हाँ जी, यस, दे फील द सोरो ऑफ अदर्स। चंद्रमा भी है, तीसरा नेत्र भी है, लेकिन ये तो हाँ, यह किसी और देवी का चित्र भी है, गोरा चेहरा, काला चेहरा होना चाहिए। White face is there, but it should be black face. Any more questions? More questions? Yeah. Can you see it? Collected all these questions for a while. You must have been writing about it. After I met my mother, so whenever I read every day the Murali, whatever questions come to my mind, I write. So I write till I meet the next Amrit Baba the next visit. Before meeting Baba, I met Baba last 2009. So after when I go back home, so I start reading especially every day, every day. So whatever questions come up in my mind, I write. Yes. I write till, you know, we have 6 pages. Till I meet Baba. They were very intricate questions, weren't they? 2009 के बाद जब से बाबा से मिले, उसके बाद में जब रोज एक मुरली सुने, तो वो सारे क्वेश्चन जो भी आया 2 pages क्वेश्चन अच्छा। You completed those 2 pages? Yes, 3 pages, yes. Sometimes I ask questions, I write down, and then after a few days I get the answer through Baba's Murlis, so I don't ask. कभी कभी तो वो लिख करके रखते हैं, उसके बाद में थोड़े दिनों में फिर मुरली में उसका जवाब आ जाता है, तो उसको वो नहीं पूछे। अच्छा अच्छा अच्छा। Yeah, I don't want more questions to ask, because this one... And a question. A question. When we say Brahma, Brahma means the body must be female. ब्रह्मा जब बोलते हैं तो उनका शरीर जो है वो स्त्री का चोला होना चाहिए ना, तो स्त्री का शरीर है क्या? भाव स्वभाव से कनेक्टेड आत्मा है। भाव स्वभाव संस्कार, इसका कनेक्शन आत्मा से है, शरीर से उतरा नहीं। द फीलिंग्स, द एक्सप्रेशन, ऑल दिस आर कनेक्टेड विद द सोल, नॉट विद, नॉट फॉर दैट, नॉट नेसेसरी ब्रह्मा मींस मस्ट बी अ फीमेल बॉडी। मैंने ये जरूरी नहीं है कि ब्रह्मा बोलने से स्त्री चोला ही होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन हिसाब किताब ऐसा है उनका पुरुष चोला है, इसलिए जब वो पुरुष चोला छोड़ करके स्त्री चोले में प्रवेश करेंगे तब उनकी पूजा होगी। ब्रह्मा मीन्स ही मस्ट हैव द फीमेल बॉडी, बट ही हैज सम कार्मिक अकाउंट्स लाइक दैट ही हैज गॉट द मेल बॉडी, दैट्स व्हाई ही इज नॉट प्रेस्ड on the in the path of devotion on that body. When he incarnates into the female body, then he is means he got worship in the path of devotion. So you see, I mean, it is said only Brahma, Brahmins came from Brahma. It is said Brahmins came from Brahma. So the body must be female. मैंने माता जी बोल रहे हैं कि मैंने एक मुरली में जो दिया गया ब्राह्मण्स जो है वो ब्रह्मा से ही आए, तो ब्रह्मा जो है वो फीमेल में होना चाहिए। पहला ब्रह्मा जो है वो फीमेल के द्वारा बनता है, पहला ब्राह्मण जो बनता है वो फीमेल के द्वारा ही तो बनता है। फर्स्ट ब्राह्मण,
first Brahmin is, he becomes Brahmin through the female body. What about you got that point? Yeah, first Brahmin, he got the female body. Yes. What about after 1998, Jagadamba left the yagya? So were Brahmins born? Because Lalanda Brahma, the only Prajapita Brahma is there. Yes. So I want to know, were Brahmins born after 1998, after Jagadamba Ma left the yagya? ब्राह्मिन्स जो है वो 1998 में जब जगदम्बा यज्ञ को छोड़ दिया तब प्रजापिता तो अकेले ही थे, तो उस समय में ब्राह्मिन्स नहीं हुए थे, मैंने उस समय में ब्राह्मिन क्या नहीं आए थे, कुछ जन्म नहीं लिए ब्राह्मिन्स का क्या लिए, प्रजापिता ब्रह्मा ही, जगदम्बा ब्रह्मा की बच्ची, ब्रह्मा गया तो ब्रह्मा की बच्ची आई और ब्रह्मा बन गई, जगदम्बा ब्रह्मा की बच्ची, हाँ। जगदम्बा और द चाइल्ड ऑफ ब्रह्मा, सो देन मैंने जब जगदम्बा गई तो जगदम्बा गई कहाँ, ब्रह्मा गई घूंघट के अंदर है, गई कहीं नहीं, ब्रह्मा गया तो जगदम्बा घूंघट के अंदर है, हम प्रत्यक्ष है, बच्चों के सामने प्रत्यक्ष नहीं है, देन ब्रह्मा हैज गन देन जगदम्बा के देन means Brahma, Jagdamba has not gone. She is in the Gungat mein hai. The cover, on the cover. Beside ke andar hai. In the curtain. In the curtain. In the curtain. Jagdamba is in the curtain. She has not gone. Let the yagya, you know, Jagdamba left the yagya PBK, I'm talking about PBK, son. Jagdamba left the yagya in 1998. हाँ 1998 में जगदम्बा ने तो यज्ञ छोड़ दिया ना, हाँ यज्ञ छोड़ दिया ये भी नहीं कहेंगे, वो अपना पार्ट बजा रही है जो उसे बजाना है, she is playing her role, what she has to play, she is playing the role, she has left the yagya पर्दे के अंदर है, but it, she is inside the curtain, beside the curtain, घूंघट के अंदर है, she is in because the... for Brahmins to go on he must veil, she is in the veil. Veil, no? Veil, okay. She is in the veil. Because for PBKs to be born as Brahmins, they must be a Brahma practically, you see. Because in the yagya, no Brahma now. In PBK, after 1998, a yogini came, she is Brahma, is it? No. So there is no practically. But PBKs ka agar janam ho raha hai, to Brahma to rehna chahiye na, bol. Hai na? निश्चय पत्र में ब्रह्मा तो लिखाया जा रहा है जगदम्बा का नाम, इन द निश्चय पत्र द जगदम्बा लेटर्स में, निश्चय पत्रों में, इन द कंफर्मेशन लेटर्स प्रैक्टिकली इन द पीबीके यज्ञ ब्रह्मा मत भी दे, प्रैक्टिकली रहना चाहिए ना ब्रह्मा को यज्ञ में, बता दिया ना अभ्य तो वाणी में ही बता दिया, घूंघट में in the avyaktavani also it is told that Jagdamba is in the veil, so still Brahmin sambandh baba ke upar jo bhi case chal rahe hain practical chal rahe hain, jo bhi case chal rahe hain wo practical chal rahe hain, un case mein saath abhi bhi to Jagdamba ka hai, whatever cases are there on baba in practically on those cases Jagdamba is also included, इनकम टैक्स का केस है उसमें भी जगदम्बा है, इन द केस ऑफ इनकम टैक्स आल्सो जगदम्बा इज देयर, सो जगदम्बा इज प्रैक्टिकली इज इन द वेल, मिनिस्ट्री इज नॉट लेफ्ट द वर्ल्ड, और निश्चय पत्र लिखाए जाते हैं वो भी जगदम्बा को नहीं मानेगा, तो जाओ, नो 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 आई एम टेलिंग शी हैज जस्ट लेफ्ट द यज्ञ, यस लेफ्ट द यज्ञ, शी हैज लेफ्ट द यज्ञ बट शी लाइक दादा लेखर ब्रह्मा, शी हैज नॉट लेफ्ट द यज्ञ, शी इज देयर बट शी इज इन अ वेन, she has left here, she is practically the, she is playing the role, she is playing her, what she has to play, she is playing the role, she is playing that role, but she is not in front of the children, but in the cases of Baba also she is no, practically no, as long as she is involved, so Brahmins are born.
ओके नो मोर क्वेश्चन. Water bottle there that I was playing with. The hot water bottle. Hot water bottle. Garam pani ka bottle hai na baba. You can get the pin there. He needs him a good massage for his shoulders. And some good thumbs. And some ointment. Oh, it does. Traveling hot bed. Traveling? Traveling with hot bag. Yes, that's good. But it would be better if you had a bit of shoulder massage here. Massage karne se acha. Kya aur kuch nikal rahe the? Anything more you are searching? You are. Can ask this? Huh? Can ask some questions. Kya aur kuch pooch sakte hain question? Yes, you can ask some more questions. बाबा थक गए होंगे ना, बोल रहे हैं. मैं सोच रही बाबा थक गए. चार चार घंटे क्वेश्चन है करते हैं तब तब नहीं थकते. यहाँ तो दो आदमी बैठे हुए हैं. आउटसाइड फोर फोर आवर्स दे आस्क द क्वेश्चन देन बाबा डोंट ट्राई देन हियर द टू पर्सन आर देयर हश देयर इन द आउटसाइड द मुनि मदर्स दे आस्क मी क्वेश्चन. This one in VCT 540, it is said Brahma remains in a very powerful remembrance when he enters Gulzardadi. Gulzardadi में जब ब्रह्मा प्रवेश करते हैं तब वो बहुत powerful याद में रहते हैं. So when when he is in Ram, so he must be having a powerful stage too. जब वो राम में रहते हैं, राम में रहते हैं तब भी उसी पावरफुल स्टेज में रहते हैं. क्या कुछ नहीं, वो पावरफुल दिखाई पड़ते हैं आँखों से, क्योंकि सभी इंद्रियां जो सूक्ष्म शरीरधारियों की होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है. और बीज रूपी स्टेज में वो पावर देखने में है, देखने की चीज नहीं है. शिव बीज है, शिव बिंदु है. वो ब्रह्मा में प्रवेश करता है तो पता भी नहीं चलता कब आता है कब जाता है, कितना हल्का होता है. ब्रह्मा की सोल तो सूक्ष्म शरीरधारी है, वो हल्की फुल्की नहीं है, वो पावरफुल है. तो वहाँ पावर देखने में आती है आंखों में, इंद्रियों में भी पावर देखने में आती है भूत प्रेतों की. लेकिन रामवरी आत्मा में संघ के रंग से बीज रूप बन जाता है, वो देखने की चीज नहीं है, हल्का फुल्का रहता है. इन बोथ केसेस इट इज डिफरेंट. ब्रह्मा ही इज इन द सटल फॉर्म, सो व्हेन ही एंटर्स इनटू द गुलजारदारी मींस पावरफुल. पावरफुल मींस इट कैन बी सीन थ्रू द आईज एंड थ्रू ऑल द ऑर्गन्स. We can say that is powerful soul. So when he enters into the Gulzardadi, it is seen that is powerful. But when he enters into the Ram's soul, then he enters into the seed soul. So it comes into the contact of the seed soul. That's why it is not seen. The power is not seen. He becomes seed as well. He becomes seed. Yeah, so Brahma becomes seed also. So subtle body means subtle body is the powerful body. Subtle body so has the power. When he is in Ram's body, he becomes seed also. He has the seed stage also. उनका भी बीज रूपी form बन जाता है ना जब राम वाली आत्मा में प्रवेश करते हैं. Yes. Okay. If he has the seed stage, why is he interfering in advanced knowledge? अगर उनका बीज रूपी स्टेज बन जाता है तो वो क्यों बीच बीच में इंटरफेयर करते हैं? वो इंटेलेक्ट की बात है, इंद्रियों की बात नहीं है. दैट इज द मैटर ऑफ इंटेलेक्ट, नॉट द मैटर ऑफ ऑर्गन्स. ऑर्गन्स सूक्ष्म शरीरधारियों के पावरफुल होते हैं, इंटेलेक्ट नहीं पावरफुल होती है. हिज इंटेलेक्ट इज नॉट पावरफुल बट द ऑर्गन्स आर पावरफुल. गॉट द पॉइंट? स्पीच मींस इज नॉट द इंटेलेक्ट, इट इज Not through the intellect he is powerful. The sukshma sharir dhari. Sharir se powerful. Through his subtle form only he is powerful. Only through the subtle form only he is powerful. That power is seen in the Gulzardadi.
But because she is not in the seed form. But when he enters into the Ram's soul, the Ram's soul is in the seed form. When he comes in the contact of seed form, he also attains the seed form. So that power is not seen in the Ram's soul through that the it's power in the intellect. And it is not, he interferes because it is not the matter of intellect. His intellect is not powerful. His body, the subtle body is powerful. Only the subtle body is the power. गुलजार दादी की आंखों में ही सिर्फ नहीं पावर देखने में आती है, पूरा चेहरे में भी पावर देखने में आती है. इन द गुलजार दादी द पावर इज नॉट सीन ओनली थ्रू द आईज बट थ्रू द एंटायर फेस ऑल्सो द पावर इज सीन. कैन सी द पावर थ्रू द एंटायर फेस ऑल्सो द गुलजार दैट नॉट हैपेंस हियर. हाथ पांव में भी पावर होती है, 14 घंटे तक बैठे रहते हैं. जो कि 14 hours they sit in the same position, they sit in the 14 hours also, in the hands and in the legs also, in the whole body also they get that power is seen. You got the point? Even Bhaktada gets up at the flag raising, you know, Bhaktada gets up and walks, so that much power is there for him to walk, in that body. Yes. वो मैंने उठ कर बाबेरा उठ करके जाते हैं, झंडा फहराते हैं, चल करके जाते हैं, इतनी शक्ति है कि मैंने वो शरीर को चला के ले जाते हैं. यस आई सी ब्रह्मा'स फेस इन बाबा. व्हेन आई फर्स्ट केम आई सॉ ब्रह्मा एज हिज द सटल फेस वाज कमिंग एंड गोइंग इन बाबा'स ऑन द टेलीविजन आई कुड सी इन द गुलजार दादी. No. In the Baba, Baba maybe जब वो पहली बार आके आए थे तब मिले थे तो उनने सूक्ष्म शरीर धारी ब्रह्मा को देखा. बोल रहे हैं बाबा के अंदर में आए और गए तो आपकी भावना ने देखा. That is your emotion. Oh, that's my emotion. That's your feeling. That's your emotion. So I didn't really see it. Is that what you're saying? तो उन्होंने नहीं देखा. That what you said? Is he saying that I didn't really see it? हाँ, मैंने सचमुच में नहीं देखा. मैंने आप ये बोल रहे हैं कि मैंने सचमुच में नहीं देखा बोल रहे हैं. उनकी भावना नहीं देखा. Your feeling has changed. The emotion has changed. So if you have those, if you see the subtle form, that's emotion. You're not actually seeing the subtle form. Because I used to see Brahma Baba a lot when I was a BK. So if Baba's saying that's all emotion, I'm not actually seeing. You have seen in the BK, what you are saying? You have seen in the BKs. When I was in the BKs, I used to see Brahma Baba's face a lot, his subtle form, in subtle the, face. Mm. In you have to see in BK, you have seen the subtle form of Brahma Baba. So yes, when I was sitting in meditation, I would see Brahma Baba. ब्रह्मा बाबा को जो याद में बैठा हुआ दिखाते हैं ना बीके में, तब उन्होंने वहाँ पर ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर को देखा है, तो बोल रहे हैं कि ये मतलब सच में ही है क्या. You are asking that it is not true. Is Baba saying that's all emotion? Yes, Baba is saying that. But then साकार मुरली में ये बोला गया जब तुम ब्रह्मा को देखोगे तो तुमको गुस्सा आ जाएगा. You will get angry. When you see Brahma, you will get angry. When you will see Brahma, you will get angry. It is. When you see Brahma, you will get angry. जब तुम ब्रह्मा को देखोगे तो तुमको गुस्सा आ जाएगा. ऐसा साकार मुरली में ही दुनिया वालों को गुस्सा आता है, हमें क्यों गुस्सा आएगा? द वर्ल्डली पीपल विल फील लाइक दैट. व्हाई वी विल फील? इट इज फॉर वर्ल्डली पीपल दैट. बट देन बाबा सेज यू शुड गिव दिस हिज पिक्चर इन फ्रंट ऑफ हिम. आई एम वेरी श्योर नो पीपल कैन स्किप हिज पिक्चर. डू यू कीप ब्रह्मा पिक्चर? ब्रह्मा नोबडी विल कीप व्हाट? ओनली कीप ब्रह्मा व्हाट पिक्चर आफ्टर बिकमिंग अ पीपी के ब्रह्मा का चित्र रखना. ठीक है, पिक्चर में
ब्रह्मा का चित्र क्यों रखेंगे? ब्रह्मा का चित्र रखेंगे तो हम तो उनका चित्र नहीं रखना चाहते। माता जी मुझे ये बात का पक्का है कि कोई भी पीबी के ब्रह्मा का चित्र तो नहीं रखता होगा। चित्र को देख करके गुस्सा आ गया। रखते हैं, कितने लोग रखते हैं, मैंने तो बहुत देखा है। जो पूरा ज्ञान नहीं है तो रख रहे हैं, रखते हैं। इन द इंटरनेट फुल नॉलेज, इफ फुल नॉलेज इज नॉट देयर, पीबी कैन आल्सो कीप पिक्चर विद देम। एडवांस पार्टी गीता पाठशाला ब्रह्मा का चित्र रखते हैं। इन द गीता पाठशाला आल्सो दे कीप द ब्रह्मास पिक्चर। गीता पाठशाला आल्सो बिकॉज इन द वन हुज इंटेलेक्ट हैज नॉट फिल्ड विद द नॉलेज दे विल कीप द पिक्चर। बट गेम की बना पाई टू सी ब्रह्मा। Well, I did have a couple, but I threw them out. After, when we went through all our rubbish, we threw them out. After meeting Baba, you don't keep anymore, right? Well, I did have, that's what I'm saying, I didn't throw them out then, but I have thrown them out now. It's not that I see them, they're just in a cupboard, you know, that way. तो माता जी बोले कि मैं पहले रखती थी, अभी तो वो कपबोर्ड में रखा हुआ है अंदर ड्रायर के अंदर। ब्रह्मा का चित्र अभी तक नहीं रखती। It said in one recipe, that when Rama Baba was alive and he was running the yagya, it is not a household path. मैंने एक मुरली में बोला गया कि जब इन मुरली इट इज है ब्रह्मा बाबा जब ये भी चला रहे थे, जब जिंदा थे, तब क्या वो प्रवृत्ति मार्ग का कार्य नहीं चल रहा था? वो चल रहा कार्य नहीं चल रहा था। हाँ वो कार्य नहीं, मैंने वो प्रवृत्ति मार्ग नहीं था वो, ऐसा मुरली में बोला गया, मैंने वो VCD में बोला गया। उसमें उनकी प्रवृत्ति किसके साथ थी? With whom his household path? Because Umradi is actually his daughter. Yes. So it's not a household path. Yes. इसलिए वो प्रवृत्ति मार्ग का पार्ट नहीं है। अभी भी ब्रह्मा कुमारियों को प्रवृत्ति मार्ग का पार्ट कहाँ है? Now also the Brahma Kumari is there. Yeah, of course now. No, but I want to know Brahma Baba's time is not a household path because Umradi is his child. Yes. Baba is saying that. Then Brahma Baba's time, the no household part. But then Umradi is his partner, what? I mean his soulmate, is it? Brahma Baba's soulmate is Umradi, is it? Soulmate. I mean like Lakshmi Narayanan, like Dunya Mother and मैंने उनके जैसे जोड़ी बताया गया ना ब्रह्मा बाबा के साथ में ओमराधे सरस्वती का, जैसे लक्ष्मी नारायण, ऐसे मैंने उनकी मैंने डॉटर है, उनकी बेटी है, लेकिन उनके साथ में उनको जोड़ा गया जैसे ब्रह्मा के साथ में सरस्वती ओमराधे सरस्वती। उसे क्या होता है, बाप के साथ बेटी नहीं बैठ सकती? विथ फादर डॉटर कैन नॉट सिट, इट डज नॉट मैटर बिकॉज डॉटर कैन बी सिट विद द फादर। I don't understand. Means the you are saying as the Lakshmi Narayan, the Brahma and the Omradhe Saraswati, Jodi, that Jodi you are telling, that Jodi can be, it is not the household path, but the with the father, the daughter can sit, the daughter can be with the father. It is mentioned like that. So it's not a household path. It is Baba is saying that it is not the household path. But the Jodi should be household path. Jodi Sunil, like Lakshmi Narayanan and Jodi, so it is a household. Jodi ka matlab hi hota hai na, mane Jodi kaha gaya Lakshmi Narayan ki Jodi, Brahma aur Saraswati ki Jodi. Jodi ka matlab hi hota hai na ki pravritti marg ka hai. Jodi ka matlab pati patni. Pati patni. Nahi pati patni. Husband and wife. Husband and wife, they will be Jodi means the husband and wife, but they are not the Jodi. So in Satyug they are Jodi. In the mane Satyug mein wo Jodi banenge. Haan, Satyug banenge. In the golden age, in the Satyug. Andar ki bhavana ki baat hai. Unhone sahyog diya pura, assistance mein rahi. Unhone jitna sahyog diya, jitna follow kiya, utna aur kisi ne follow nahi kiya. Isliye. जैसे नारायण को लक्ष्मी जितना फॉलो करती है, जितना प्यार करती है, उतना और कोई नहीं प्यार करता। सच्चा प्यार और कोई नहीं दे सकता। ऐसे ही जितना सहयोग मम्मा ने बाबा को दिया,
उतना और कोई नहीं दे सकता है। इट इज द एक्ट के आधार पर वो उनकी सहयोगी शक्ति बनी। इट इज बेस्ड ऑन द एक्ट शी बिकम द जोड़ी। फॉलो करने की बात है। शी फॉलोड हिम कम्प्लीटली। शी फॉलोड हिम कम्प्लीटली बिकॉज as much as she has given the helping hand to Brahma, that much nobody has given. As much as the true love that Lakshmi has given to the Narayan, that nobody has given. That's why according to that act, according to that feeling, it is the internal feeling, not about external thing. Based on that feeling and based on that cooperation, that they have cooperated so much to Brahma. To Brahma, Om Radhe Saraswati has cooperated so much, even helping hand to Brahma. In that basis, on that basis, according to her feelings, her emotions, her attitude, her action towards the Brahma, she has become the Jodi. That's why they both become the Jodi. Mamma ne Brahma Baba ka kabhi bhi opposition nahi kiya. Kisi baat mein bhi opposition nahi kiya. Mamma has not opposed Baba at any time. She followed completely to Brahma. Mama. Lakshmi also followed completely to Narayan. Bhagyakari, Vahadar, Farmandadar, Imandar, Chara Guna, first class. She was first class in all the four qualities. It is obedient, loyal, subservient, honesty. But that was in the beginning. It's not now. She's because of Satya is shooting, isn't it? Shooting of Satya. Oh, to Satya is shooting, isn't it? Yes. You got the point? प्रश्न नहीं है बोल रहे हो। बोल रहे और कोई प्रश्न नहीं है।